से चेहरे को काफी क्लीन कर सकते हैं, चेहरे को गोरा बना सकते हैं। जी दोस्तों, आज हम गेंदे के फूल और रोज पेटल्स की मदद से एक ऐसा पेस्ट तैयार करेंगे जो हमारे चेहरे को निखारेगा भी और इस विंटर सीजन में बहुत अच्छा हमारे चेहरे पे ग्लो भी लेकर आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस पेस्ट पैक को हमने कैसे बनाना है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। इस पेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले 3 गेंदे के फूल ले लीजिए और उनकी पंखड़ियां आपने अलग निकाल लेनी है। आप उनको सुखाकर भी पेस्ट बना सकते हैं या फिर आपने उन पंखड़ियों को ग्राइंडर में डालना है और उसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। आपने उसका एक चम्मच लेना है और अब आपने गुलाब की पंखड़ियां लेनी है, यानी कि आप नियर अबाउट 3 गुलाब ले लीजिए, उनकी पंखड़ियों को अलग करके ग्राइंडर में डालिए और उसका भी पेस्ट बना लीजिए। एक चम्मच आपने उस पेस्ट का लेना है। अब दोस्तों इसके अंदर आपने एक चम्मच दही और 1/4 चम्मच आपने इसके अंदर एलमंड ऑयल मिक्स करना है, यानी कि बादाम का तेल, और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर नीम पाउडर मिक्स करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। अगर आपको लगता है कि ये पेस्ट थोड़ा हार्ड है तो आप इसमें थोड़ा सा दही और मिक्स कर सकते हैं और इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। दोस्तों जब ये फेस पैक ड्राई हो जाए तो आपने अपने फेस को हल्का गीला कर लेना है और सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करते हुए इसे धो लीजिए। दोस्तों ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है, इससे स्किन काफ़ी स्मूथ सॉफ्ट होती है और आपकी स्किन में खिंचाव सा महसूस होगा, यानी कि आपकी स्किन काफ़ी यंग बनी रहेगी। आप इस फेस पैक को वीक में 2 बार कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। कोई भी एज में कोई भी पर्सन इसे यूज़ कर सकता है, बॉयज गर्ल्स लेडीज जेंट्स कोई भी इसे यूज़ करें और इसका जो भी रिजल्ट आपको मिलता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर आपको ये फेस पैक जरूर बढ़िया लगा होगा। ये फेस पैक बहुत ही बेस्ट है, इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा। इसकी मदद से जो निखार आता है वो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि मेरे बताने से नहीं आपके यूज करने से ही आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। तो दोस्तों इसे ट्राई करके और इसका जो रिव्यू होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आकर जरूर बताइएगा। इसके रिलेटेड अगर कोई नॉलेज कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।